नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और मैं राव अफ्तर पांडे। बांग्लादेश में सत्ता पलट होने के बाद हिंदुओं के साथ हुए हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस ने फोन पर बात की है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहम्मद यूनिस ने पीएम मोदी से कहा कि अल्पसंख्यकों पर हमले की रिपोर्ट को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। उन्होंने स्थिति को जांचने के लिए भारतीय पत्रकारों को देश का दौरे करने को कहा और वहां पर घटना की रिपोर्टिंग करने के लिए आमंत्रित भी किया है। पीएम मोदी के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाने पर यूनिस ने कहा कि उनकी सरकार अल्पसंख्यकों समेत देश के सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिए कमिटेड है। आगे उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में स्थिति अब नियंत्रण में है और देश में जनजीवन सामान्य हो रहा है। इन सब के बीच बांग्लादेश में एक्ट्रेस रोकया प्राची पर हमला हुआ है। बंगाल के अखबारों के अनुसार नेशनल अवार्ड से सम्मानित अभिनेत्री प्राची बुधवार शाम को बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान की बरसी पर कैंडल लाइट प्रोटेस्ट करने पहुंची थी। वे धनबड़ी 32 में बंगबंधु के पुराने आवास पर छात्र आंदोलन के दौरान हुए हिंसा की जांच की मांग कर रही थी, तभी 30 से 40 लोगों ने उन पर हमला कर दिया, थप्पड़ मारा और धक्का देकर गिराने की कोशिश भी की। इसके अलावा और भी जगहों से हिंदुओं पर हमले की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं जानकारों का मानना है कि मोहम्मद यूनिस दावा कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। वहीं हकीकत यह है कि हिंसक प्रदर्शनों में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले लगातार बढ़े हैं। अब तक हिंदुओं पर हमले के 205 से अधिक मामले सामने आए हैं। उनके घर और मंदिरों को तोड़ा और जलाया गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पिछले सप्ताह इसके लिए माफी भी मांगी। गृह मंत्री के सलाहकार रिटायर ब्रिगेडियर जनरल सखवत हुसैन ने कहा कि हम हिंदू समुदाय की रक्षा करने में सफल रहे, हम हिंदू समुदाय से माफी मांगते हैं। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इन खबर के साथ। धन्यवाद।